हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेक्शन बी साइंस का पेपर नंबर 2। ओके, तो गाला का हम लोग आज क्वेश्चन पेपर जो 2 है उसका सेक्शन बी कर रहे हैं हम लोग। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होता है। सो क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल्स। देखो बेटा, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप एसिड को और बेस को आपस में रिएक्ट करते हो तो आपको एक कंपाउंड मिलता है, मतलब कि सॉल्ट मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें लिख सकते हो कि ये रिएक्शन वो होता है जहां पे एसिड और बेस रिएक्ट होके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, जिसके अंदर कई बार हाइड्रोजन गैस जो है वो ही बनता है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, मतलब कि आप इसको रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, जब सॉल्ट बनता है ना, वो पीएच क्या होता है उसका 7 होता है, तो दैट मीन्स कि न्यूट्रल होता है। दो एग्जाम्पल बोले गए हैं इन्होंने, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन 26 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक एलिमेंट्स एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वैसे बहुत सारे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। देखिए, अब 2 मार्क में है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको 4 पॉइंट्स लिखनी चाहिए, हाफ मार्क फॉर ईच, क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ। बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको कुछ 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे लस्टर होता है, ठीक है, तो चमकदार, तो वी नो कि मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है, नॉन मेटल्स का शाइनी नहीं होता है। हार्डनेस हो गया, स्टेट हो गया, तो आपको इसमें जो इजी लगते हैं, आप कोई भी एटलीस्ट 4 तो आप दिमाग में रख ही लीजिएगा, जितने पूछते हैं आप उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो 7 तक रहेगा डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 27। 27 में ऐसा है कि आपको न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस बताने हैं। सो यहाँ पे आपको 2 लिमिटेशंस लिखनी है। ठीक है, अब कुछ बोला नहीं गया, पर खैर 2 मार्क्स में आप 2 ही लिखेगा, और जितना बेटा मुझसे हुआ ना, मैंने उतना सिंपल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है लिमिटेशन है यहाँ पे। तो बेसिकली पहला लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहेगा, तो वो लाइटर एलिमेंट हुआ सिर्फ। और दूसरा ऐसा है कि ये जो प्रॉपर्टीज थी ना, जो दूसरी वाली एलिमेंट्स जो न्यू डिस्कवर हो रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो इस लॉ में फिट नहीं हो रही थी, तो ये इसके 2 लिमिटेशंस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप एंड पीरियड की। अब पीरियड के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड में होते हैं। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा यूं याद हो इस तरीके का हमारा पीरियड टेबल, तो ये जो लेफ्ट साइड की तरफ जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं पीरियड में। तो जब आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो उस दौरान जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, एज वी गो डाउन, ठीक है, ग्रुप के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर साफ शब्दों में कहूं मैं यहाँ पे, तो पीरियड के अंदर डिक्रीज होगा कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, और ग्रुप के अंदर इंक्रीज होगा। तो आपको चीज ये दोनों याद करनी है, बट थोड़ा स्टेटमेंट में आपको अच्छे से लिखना होगा, तो स्टेटमेंट भी बहुत इजी है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। ठीक है, तो पुबर्टी में क्या होता है, तो बहुत इजी है। ठीक है, और जो मोस्टेक वगैरह आता है, बियर्ड आता है, तो फेस पे उनके हेयर ग्रोथ होता है, वॉइस जो है वो थोड़ी क्रैक्ट हो जाती है, आर्मपिट्स वगैरह, जेंटल जेंटल एरिया में हेयर ग्रोथ होता है, और जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, कई बार पिंपल्स भी आते हैं। कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स दिए, हाफ पॉइंट, हाफ मार्क 1 पॉइंट को कंसिडर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एविडेंस होता है इवोल्यूशन में, तो इसका एविडेंस ऐसा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि ऑर्गन्स, या आई कुड से ऑर्गेनिज्म जो है वो, उनका एंसेस्टर कौन था। ठीक है, मतलब कि उनके पूर्वज कौन है। तो बस आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन में से लिखना है द सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज बाय टेलिंग दैट दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। तो ये वाली लाइन जो है इतना ही है। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसका मीनिंग क्या है, तो स्केमेटिक डायग्राम का मतलब ये है कि आप एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो आपको कहा है कि भाई आप ना डायग्राम ड्रॉ करना, जिसका नाम बल्ब वगैरह सब कुछ हो, तो हमने लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया बल्ब।
ये है एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए जो चीज होती है। ये हो गई की, दिस इज द बैटरी। और इन्होंने कहा कि आप ना करंट का फ्लो बताना एरोस के थ्रू, तो एरो के थ्रू हमने करंट का फ्लो भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ऑन विच फंक्शन, एक्चुअली विच नहीं आएगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स बेसिकली आता है, ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस डिपेंड। तो बेसिकली चार फैक्टर्स है, ठीक है। पहला है लेंथ, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरा है आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और चौथा है कि वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, आपको दो पॉइंट्स बताने हैं एसी और डीसी के डिफरेंस में। तो एसी करंट जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में आता है, जबकि डीसी करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन होता है, तो नो रिवर्स। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने वो दो पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत आसान मुझे लगे, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं, यू कैन गो फॉर इट। 34 नंबर, व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन यू गिव टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो अब देखिए मैंने काफी सारे पॉइंट्स दिए, आप इसके अंदर मेन फोर पॉइंट्स आपको जो इजी लगे ना उठा लेना, कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग वो तीन जो आर होते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वह बता दीजिए। इको फ्रेंडली है, ठीक है, प्लास्टिक बैग आप अवॉइड करेंगे और पेपर बैग यूज करेंगे। तो कुछ चार पॉइंट्स आपके हिसाब से जो आपको इजी लगता है वो उठा लीजिएगा इसमें से। 35 नंबर क्वेश्चन, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं और हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो ट्रॉपिक लेवल बेसिकली फूड चेन के अंदर जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप्स में, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो ये रहा एग्जाम्पल कि ग्रास को खाता है ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक, ये सिंपल फूड चेन दिया है, ठीक है। तो इस फूड चेन में आपको क्या बताना है कि इसमें आपको ट्रॉपिक लेवल ही बताने। तो भाई ग्रास है, ग्रास मतलब प्लांट हो गया, ठीक है। तो प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रास ऑफर्स खा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फिर फ्रॉग आते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और स्नेक्स आएंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। आपको ये पूरा अच्छे से मेंशन कर देना है। नेक्स्ट 36, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो फॉरेस्ट अगर चला जाएगा तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी। इन शॉर्ट आपको डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस बताने हैं। कोई भी चार आप लिख लीजिए, हालांकि सारे इजी, सारे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में डालना है, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। कि फ्लड है तो थोड़ा आपको स्टेटमेंट के थ्रू बताना, मैंने यहाँ पे नॉर्मली पॉइंट्स बता दिए हैं। तो फ्लड हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, फूड की प्रॉब्लम होगी, जो सॉइल है वो जल्दी गर्म हो जाएगी और रेन का इम्बेलेंस रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। लास्ट क्वेश्चन 37, कि आपको चार स्टेप्स बताना है टू रिड्यूस द कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगेन आप स्ट्रेस का यूज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी। आप बाइसाइकिल का यूज कीजिए, पेट्रोल सेव हो जाएगा। सोलर कुकर यूज कीजिए, ठीक है, तो वो हो जाता है बेसिकली। तो सन के हिसाब से हमारी एलपीजी वगैरह बच जाएंगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए, तो आपका जो फ्यूल है वो सेव हो जाएगा। फैन और लाइट को जो है स्विच ऑफ कर लीजिए जब वो नीडेड में नहीं है। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आप एक बार रीड भी कर लोगे ना, तो आपको ऐसे जरूरी नहीं कि आपको यही स्टेटमेंट लिखना, आप अपने हिसाब से चार पॉइंट लिख सकते हैं। चार पॉइंट लिख दीजिएगा, हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपको बताऊंगी सेक्शन सी के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो आपको सही लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।